Find area of shaded region. BMN is a sector with center B. ये sector है, तो इस shaded region का area निकालने के लिए इस triangle का area निकालते हैं. तो ये कितना है? L square by 2 आएगा, L square by 2 आ जाएगा. और उसमें से sector का area गैप कर देते हैं. तो sector का area कितना है? ये angle 90 है. और इसको R मान लेते हैं. तो ये सर्किल का जो ऐसे बनेगा उसका 1/4 पार्ट आ गया. डायरेक्ट को सप्लाई करने की जरूरत नहीं है. तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 आए, पाई आर स्क्वायर बाई 4 आए, पाई आर स्क्वायर बाई 4 आए. बात समझ आ गई? अब ओनली चैलेंज क्या है यहाँ पे? चैलेंज क्या है यहाँ पे? चैलेंज ये है मेरे पास कि यार ये पाई आर स्क्वायर बाई आर कैसे निकल रहे. तो नाउ फोकस हियर. आर ये एल है, ये एल है. तो पाइथागोरस अप्लाई करूं तो मेरे पास क्या है? एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आर है तो ये भी आर होगा. टू आर, टू आर का होल स्क्वायर. बात समझ आ रही? तो आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी मेरे पास कितनी आएगी? एल स्क्वायर बाई टू आएगी. भाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? एल स्क्वायर बाई टू आएगी. तो पाई आर स्क्वायर बाई एट आ जाएगी. नहीं, भाई एल स्क्वायर भाई एट आ गया. एल स्क्वायर भाई एट आ गया. ओके, अब अगर मैं इसमें से एस में से ट्रायंगल के एरिया में से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा. तो एल स्क्वायर भाई टू कॉमन ले लेता हूं मैं, और अंदर क्या बचेगा? वन माइनस फाइव बाई फोर, वन माइनस फाइव बाई फोर. ये मेरे पास जो सीडेड पार्ट है इसका एरिया. ध्यान समझिए, यहाँ पर जो क्रैक था और वो सेक्टर इस पार्ट का एरिया निकालने के लिए वो ये था कि ये आर है तो ये टोटल टू आर होगा, ये एल है, एल है, पाइथागोरस सप्लाई किया एल स्क्वायर, एल स्क्वायर टू आर, तो ये फोर आर स्क्वायर आ गया. आर स्क्वायर की वैल्यू आई एल स्क्वायर बाई टू. ठीक है ना? तो ओनली एल हमें गिवेन है, आर नहीं गिवेन है. दैट्स व्हाई आई कैन राइट दिस सेक्टर एज. ओके, समझ आ चुका है और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं. ठीक है.